सतना के सिविल लाइन थाना इलाके में स्थित एक मंदिर के अंदर युवक की अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना अंतर्गत रैगांव रोड पर स्थित रेउरा फार्म और बचवई गांव के बीच स्थित देवी मंदिर में एक युवक की अधजली लाश पड़ी पाई गई। मंदिर के अंदर से धुआं उठता देख ग्रामीणों ने सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। मृतक की शिनाख्त धर्मेंद्र चौधरी तनय गंगा प्रसाद चौधरी निवासी इटमा थाना नागौत के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक देवी भक्त थे और पिछले काफी समय से इस मंदिर में दर्शन पूजन और हवन करने आते थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिस वक्त पुलिस पहुंची उस वक्त व्यक्ति की मौत हो चुकी थी और मंदिर के अंदर से धुआं निकल रहा था। मृतक के शरीर का ऊपरी हिस्सा कम जला है जबकि कमर का निचला हिस्सा काफी जला हुआ है। आशंका यह भी है कि हवन पूजन करते समय यह व्यक्ति जिसका नाम धर्मेंद्र है वह अचेत हो गया और इसके बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सीएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है।